जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, सडनली कुछ इंसान आपकी जिंदगी से निकल जाए, मे बी झगड़े की वजह से निकल जाए, कुछ भी हो, ये फिल्टरेशन हो रही है. और प्लीज बिलीव रखें, बिकॉज शायद वो लोग आपकी जिंदगी के लिए अच्छे नहीं है, या वो जॉब आपकी अच्छी नहीं है, या किसी भी तरह का जो भी फिल्टरेशन हो रहा है उसे होने दें अपने पॉजिटिव बिलीव के साथ कि अब जो होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप उसे क्रिएट कर रहे हैं. व्हाटएवर यू सी, व्हाटएवर यू से, व्हाटएवर यू थिंक, यू अट्रैक्ट. दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हाय, दिस इज अंजना, 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon. आज मैं बात करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप फॉलो करते हैं तो उसका ट्रांजिशन कैसे होता है, आपका ओल्ड लाइफ टू न्यू लाइफ जो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं वो ट्रांजिशन क्या होगा, ट्रांजिशन के इफेक्ट्स क्या होंगे, और किस तरह से आपको उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है. सो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब इन्होंने मेरे कहने से स्टार्ट किया फॉलो करना, तो जब आप बहुत ही नेगेटिव से पॉजिटिव में आते हैं, आपके ब्रेन का जब रीप्रोग्रामिंग की जाती है, तो वो होता है एक ट्रांजिशन फेज. किस तरह से ओल्ड बिलीव्स की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप और उसमें अपने नए बिलीव्स डाल रहे हैं, तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप ये करते हैं तो इसका एक ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, जो कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से फॉलो कर रहे हैं तब से हमारी लाइफ में कुछ गलत होना शुरू हो गया और आप घबरा जाते हैं और आप बंद कर देते हैं. तो ऐसा नहीं है, ये ट्रांजिशन इफेक्ट है जिसके बारे में मुझे लग रहा था कि मुझे वीडियो बना देना चाहिए, बिकॉज कई लोग घबरा जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते समय. इनफैक्ट मैंने भी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया था, एंड सडनली ये हुआ कि जो मेरी सैलरी थी टाइम पे आती थी एवरी मंथ, सडनली वो 2 महीने के लिए आना आई ही नहीं, और मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया है और मैं पैसा, मतलब कहां तो मैं पैसे के लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ये तो पैसा ही डिले हो रहा है. तो सडनली एक नेगेटिव थॉट आ गई. देन मेरी बेटी तभी 13-14 साल की थी जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया था, तो सडनली मेरे उसके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, उस मेरे और उसके आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए. तो वो टीनेजर है और टीनेजर्स के खुद के अपने कुछ यू नो माइंडसेट्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सालों की प्रोग्रामिंग थी कि ओ टीनेजर्स के मूड स्विंग्स होते हैं, टीनेजर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पेरेंट्स के साथ, तो वो होना शुरू किया था क्योंकि वो प्रोग्रामिंग थी मेरे दिमाग की. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैं फॉलो कर रही थी तो वो मुझे ट्रांजिशन में मेरे दिख रहा था, तो मेरा माइंड कई बार नेगेटिव हो गया कि ये क्या हो रहा है, कहां मैं अपना इतना पॉजिटिव सोचना शुरू कर रही हूं और सडनली नेगेटिव क्यों हो रहा है चीजें, यू नो पैसा डिले हो रहा है, सैलरी डिले हो रही है, बच्चे से मेरे रिलेशंस खराब हो रहे हैं. तो ये बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, और क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिकॉज जब भी फॉर एग्जाम्पल आपको घर में एक नया फर्नीचर लाना है तो क्या होगा, आप पुराने फर्नीचर को हटाएंगे. आपको दिवाली पे सफाई करनी है और नई चीजें लानी है, आप पुराने क्लटर को हटाएंगे. आप घर को रेनोवेट कराना है तो पुरानी सबकी तोड़फोड़ करेंगे. तो जब रेनोवेट हो रहा होगा घर, तो रेनोवेट होने के पहले वाली जो स्टेज होगी उस वक्त घर पूरा टूट फूट चुका होगा और बहुत गंदी हालत में होगा. बस यही एक ट्रांजिशन फेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव में आते हैं. क्योंकि अभी तक होता क्या है कि अब जब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू कर दिया, अब आपने यूनिवर्स को अपनी हैप्पी चीजें, हेल्दी चीजें, पॉजिटिव चीजें बताना शुरू कर दी, तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए पुराने सारे क्लटर हटेंगे लाइफ से. और वो भी इसलिए हटते हैं, वो बाहर निकल के इसलिए आते हैं, बिकॉज होता क्या है कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो जो हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में आएगी, वो जिंदगी भर के लिए आएगी और कंसिस्टेंसी के साथ ही रहेगी. तो अब क्या होगा, जो भी पुरानी चीजें हैं जो बाद में कभी उभर के आ सकती हैं, वो सब अभी उभरेंगी और अभी ही खत्म हो जाएंगी आपकी, अगर कंसिस्टेंसी अपनी पॉजिटिविटी को लेकर बराबर. क्योंकि अब जो बाहर आता है सडनली, वो बाहर आता है जो आपकी थॉट प्रोसेस का था ऑलरेडी,
जिसको आपने बहुत सालों से क्रिएट किया हुआ था वो बाहर आता है और सडनली हमको लगता है ये क्या हो रहा है, लेकिन अब से आपने जो शुरू किया है वो एक पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, गुड लाइफ के लिए आपके डिजायर्स एंड विशेस, इसका बनना अब शुरू हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल जनवरी 2021 से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया है, तो जनवरी में ही पॉजिटिव इफेक्ट देंगे कैसे? नहीं, इसका क्रिएशन आपने 21 जनवरी से चालू किया है, तो इसके इफेक्ट्स मिलेंगे आपको फरवरी से, मार्च से, लेकिन जो मिलेंगे वो लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और सारे टिप्स एंड टेक्निक्स जो मैंने बुक में दिए हुए अगर वो फॉलो कर रहे हैं, और पुरानी जो भी आपकी क्रिएशन थी वो सडनली निकल के बाहर आना शुरू करती है, क्योंकि जब वो चीजें बाहर आ रही हैं तब आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर उस वक्त जो भी बुरा पार्ट आ रहा है लाइफ में, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो अगर सामने आ रहा है और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के को बिलीव के साथ फॉलो करना शुरू किया एंड यू हैव योर बिलीव कि नहीं दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट, तो ये जो थॉट प्रोसेस आपकी कंसिस्टेंसी से रहेगी, बस इसी थॉट प्रोसेस की वजह से पूरी जिंदगी आपकी हैप्पीनेस की कंसिस्टेंसी रहेगी। तो घबराना नहीं है इस ट्रांजिशन फेज में। मेरी एक फ्रेंड है, अभी वो मेरी रीडर भी हैं और मुझे फॉलो भी करती हैं, उनसे जब मेरी बात हुई और उन्होंने जब मेरी पहली बार बुक खरीदी तो सडनली उनकी एक उनका एक ऑलरेडी जॉब में बातचीत चल रहा था एंड सडनली वो बातचीत खराब हो गया एंड शी सेड कि अंजना ये क्या हुआ, आई सेड वो जॉब आपके लिए अच्छी नहीं होगी क्योंकि जब आपने यूनिवर्स में अपनी डिजायर्स दे दी है फॉर बेस्ट ऑफ योर लाइफ तो जो खराब होगा वो यूनिवर्स हटाएगा ही हटाएगा, वो फिल्टर करेगा ही करेगा। तो ये हो सकता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें सडनली कुछ इंसान आपकी जिंदगी से निकल जाए, मे बी झगड़े की वजह से निकल जाए, कुछ भी हो, ये फिल्टरेशन हो रही है। और प्लीज बिलीव रखें, बिकॉज शायद वो लोग आपकी जिंदगी के लिए अच्छे नहीं है या वो जॉब आपकी अच्छी नहीं है या किसी भी तरह का जो भी फिल्टरेशन हो रहा है उसे होने दें अपने पॉजिटिव बिलीव के साथ कि अब जो होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि आप उसे क्रिएट कर रहे हैं। अपने क्रिएशन पे भरोसा रखिए। जब आप फॉर एग्जांपल जो एक माँ होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है वो क्रिएट कर रही होती है, 9 मंथ्स तक वो क्रिएट करती है और उसे भरोसा होता है कि वो एक हेल्दी बेबी को जन्म देगी और ऐसा होता है, वो इम्पेशेंट नहीं होती उन 9 महीनों में, तो आप पेशेंस रखिए, जो चीज जानी होंगी जाने दीजिए, जो लोग फिल्टर हो रहे हैं होने दीजिए और आप अपना बिलीव रखिए आपके क्रिएशन में और बस एक अच्छा भविष्य अपने लिए क्रिएट कीजिए और उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में विजुलाइज कीजिए और अपना बेस्ट से बेस्ट लाइफ जो आप विजुलाइज कर सकते हैं वो क्रिएट करिए। 30-35 days आप कंसिस्टेंसी के साथ बिना परेशान हुए, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना अपने बिलीफ को हिलाए और भरोसा रखिए कि ये अब जो हो रहा है वो यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर रहा है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, तो अब बुरा हो ही नहीं सकता। तो अब जितना अब वो जो फेज है उसमें बुरी चीज़ों को जाने दीजिए और नई चीज़ों को वेलकम करने के लिए रेडी रखिए। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट ट्रांजिशन, और घबराना नहीं है। और इसके बावजूद अगर आपके पास कुछ और सवाल हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके या कोई सी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है जो है और जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है मैजिकली, आपकी भी होगी। बिलीफ एंड ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है आपके खुद के क्रिएशन में, उसे क्रिएट करते रहिए। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव फ्यूचर। थैंक यू सो मच।